एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का मार्केट गया। वो कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये, ठीक है इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से शॉक्ड हो गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, क्योंकि पत्थर जनरली कहीं पर भी मिल जाते हैं लेकिन उसका प्राइस 200 रुपये। वो तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वो बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी दो उंगलियाँ खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये, ठीक है मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वो लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा, पापा म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर, और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगलियाँ खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम शॉक्ड हो गया। वो काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर छुड़ा लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, कहाँ से मिला है पत्थर और क्या प्राइस है इसका, कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए। वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी दो उंगलियाँ खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने, 2 लाख रुपये, ठीक है मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपये देने को तैयार हूँ, प्लीज़ तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा वो बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपये देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपये का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी।